राम राम जी सारा ने। मैं टिंकू चौहान राजगढ़िया थर सारा का एक बार फिर तय इस नए ब्लॉग में स्वागत करूं। तो भाइयों मैं आज आ गया हूं एक और खेत है जिसने टुकड़ी बोले यार हमारे साइड में टुकड़िया में। तो भाई बुरे किले भी हैं तो मैं एक इसी जगह था हमने दिखाने हो रहा हूँ भाई। पहले बचपन में हम इस जगह पे खेल लिया करते छोटे थे तब, और खेल भी क्यों आया करते भाई। पहले क्रिकेट खेल लिया करते, खो खो खेल लिया करते, पकड़ाई खेल लिया करते। तो भाई पानी तीस लग गया थी और तो दूर थी, पहले पानी ना था तो उस टाइम पर हम इस जगह पर पानी पीना आया करते और नहा भी लिया करते, खेलिया भी करते, कबड्डी कुश्ती सारे गेम खेल लिया करते। तो भाई आज बात चीज हमने दिखाऊंगा पानी किस तरह हम पिया करते और कौन सी टंकी हुआ करती। तो भाई मेरे पीछे देख सको था हम उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ जित हमने बचपन में पहले अपना टाइम बिताया था। तो भाई कुछ इसी भी यादगार चीज हमने दिखाता रहा करूँगा भाई बचपन में के गेम खेल लिया करते या फिर किस तरह बचपन बीतता सारी चीज। तो भाई ये वापा था और इसने कहा है ओम वाली टंकी। तो भाई इस नाम तय गांव में सुन नाम में जो गांव से उसमें सुन में आया करती भाई कहा घर के पूछे आ रहे थे भाई कित था। तो पूरा दोपहर तो पहले नु गए थे भाई ओम वाली टंकी का ना खेल लाना है। तो भाई मैं ये आ गया हमारी इस टंकी का ना। तो भाई यह टंकी है हम देखो हो यह टंकी है ओम वाली टंकी और उरे या पीने का पानी की ठुटकी ला रखी है ताकि भाई कोई भी लावणी कर रहे हो रहे या फिर भाई खेत में काम कर ला रहे हैं वे इस टंकी पर पानी पीना आया करते। तो भाई इस पर पानी भी है, ये तो कम है पानी इसमें लेकिन पहले भरी रहा करती है और भरिया भी किस तरह करते वो तो हमने मैं दिखाऊं। तो भाई यो एक पाइप सा ला रखा था हम देख सको ऊपर ने यो पाइप ला रखा है और भाई यो कुआ है इस साइड में यो कुआ है और भाई यो कुआ है और इसका मैं था हम देख को हो देखो कितना डूंगा कुआ है। इसमें पहले हम बड़ के निकलया करते लेकिन ये भाई बड़ा कौन सा पहले इसमें कबूतर भी था कई बार सांप भी इसमें पालिए। तो मैं पहले के रहे थे सांप आ रहा था उसमें मारया करते डले डोले मार दिया करते उसने काट के धरती में दबो दिया करते ताकि भाई अगल शनिवार डबो है ना तो अगला शनिवार ने उसके मणिये पाया करते और कान दुख है किसी के तो उसे गड़ में दो मणिये गाल दो ताकत है और वो कान दर्द दूर हो जाया करता। तो भाई यो पाइप से और यो पाइप जा रहा है भीतर ने यह देखो ये सीढ़ी था हमने दिखा ना यह सीढ़ी है इस तरह नीचे उतर उतर चढ़ गए और पूरा यो इंजन का पट्टा ला रखा है और इस तक पानी उठा करे और भाई यो इंजन है इस तक पानी उठ गए और जब यह टंकी भरी जा पानी की तो इसमें तो हम पानी निकाला करते और ये भरया पाया करते पूरा नहाया करते पानी पिया करते और कई बार घर ने भी ले जाया करते इस पानी ने। तो भाई उरे ने लावणी करने लग रहे हैं लावणी भी कर ली और साथ ही भाई अब उरे गेहूं की जो रोटी है वे जचाड़ा लग रहे हैं। तो पहले आप देखेंगे इसमें पानी पुनी किस तरह का लिया करते तो हमने दिखाऊं। तो भाई मैं सीढ़ी पर चढ़ गया हूँ यह सीढ़ी है और ये उरे ईंट जचारा की है और यो है सिस्टम और ठीक है इसने बोलिया रहे बैंड जिस तरह भाई पानी सारा ओदमा चलिया था। तो भाई इसने उगाड़ू तो फिर पूरा कुआड़ उठाना पड़ेगा नीचे दिखानी पड़ेगी लेकिन भाई ये ईंट जचा रखी है यो मल्ला का मुश्किल है उठाना इसमें छेड़ चलिया जा है और उस तो पानी जा है भीतर ने। तो भाई यो तो उठना मुश्किल है ईंट भाई जचा रखी लेकिन थोड़ा हा हमने कौन सी में दिखाई दूँ या देखो इसमें पानी भी है तो हमें दिखता हुआ भीतर भैया कुआ है तो इसमें पानी पूनी गला करते। तो वे थर तो मैंने दिखा दी है कि डाली में पानी गला है और भैया सीढ़ी है इसके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने देखा दे पानी कितना भर गया इसमें और ताकि बंद कराया जाए इंजन। तो ये बचपन की याद एक टंकी
इसमें कई दिन आज आया हमने टेम ला गया आज मन सोची क्यों ना उस चीज की भी एक वीडियो बनाई जा जी तब खेल लिया करते टेम बचपन का कटिया है तो इसी इसी चीज हमने दिखाता रहा करूँगा। तो भाई उरा इसका दौर है नीम का पेड़ है, इस नीम के पेड़ की जो पत्ते हो ये ले जा रहे थे घर ने गेहूँ गाँव जो कटे हैं तो उन टंकी में गाल लाएंगे, इतनी बड़ी टंकी वो है गेहूँ की उसका मैं गाल लाए ना जब पत्ते हो नीम के वो उसको मैं घेरे जा तो ताकि उसमें सुरसी ना हो और गेहूँ खराब नहीं हो। तो भाई यो नीम का पेड़ है इसकी दातल भी करा रहे हैं इसके कई गुण है वे थमने बेरा है लावनी सब न करा खीसे। तो भाई मत हमने एक चीज और दिखाऊं उरन एक मंडी और से ये एक कोठड़ा बना रखे हो रहे ताकि उरन जो लावनी करे है खेती बाड़ी करे है वे अपना टेम इस कोठड़े में गुजार सके और इस नीम का नीम की जो छाया है ना इसके नीचे खाट गाल अपने सो जाओ आराम से सही सीढ़ी आवा लागे इस कोठड़े में अपने टेम बिताया करते कई ताश खेल लिया करते कोई पार्टी शार्टी बना दी ठंडा ठंडा पी लिया भुजिया खा ली वह चीज इसका मैं होया करती मीम आ जा तो इस कोठड़े में बढ़ जा और बयान दिया जाए तो बढ़ जाए इसमें और दिन खुला बाद अपना घर में चला था। और उरन भाई खेत वाले जो आ रहे हैं वे अपने गेहूं कट्ठे कर ला रहे हैं ये है गेहूं ठीक है तो गेहूं इस डाल कट्ठे करे आ करें रोटी ठाणी पड़े हो पूरा किला मुरन गेहूं से जितने पड़े हैं और ये गेहूं कट्ठे कर रखे हैं तो मैं एक बार सीढ़ी से इन्हें ठाक है उसे जगह पर फेंक दी जी दरी थी या ताकि भाई कोई और ठाक ना ले जा सके। भाई मैंने सीढ़ी लिया था अपना हाथ है और खवा फेंक ली है इस तरह सीढ़ी ठाया करें और ये मैं उसे जगह पर इसने फेंक दूँ। भाई मन मार की एकदम वीडियो बनाने की इस जगह की और मैं घर से निकला और इस जगह की स्पेशल वीडियो थार खातर मैंने बनाई। तो भाई यो कोट रहा है और पूरा तक तक आप रखे हैं यह जितनी मन खड़ी करती है और यो तक पूरा भाई खेल लिया करते दाऊ हवा ला गया थी सीढ़ी सीढ़ी और इस साइड में देखो कितना बढ़िया मौसम दिख रहा है या ओम वाली टंकी है ओम वाली टंकी का नाम देखने जा रहा है। तो उस तरह से देखी जाए तो पूरा घने कोटड़े हैं लेकिन मेन नाम से वो हमारी टंकी ठीक है तो इस नाम से जाना है। तो वे थर तो मैंने दिखा दी है कि डाली में पानी गला है और भैया सीढ़ी है इसके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने देखा दे वे पानी कितना भर गया इसमें और ताकि बंद कराया जाए वो इंजन। तो ये बचपन की याद एक टंकी इसमें कई दिन आज आया हमने टेम ला गया आज मन सोची क्यों ना उस चीज की भी एक वीडियो बनाई जा जी तब खेल लिया करते टेम बचपन का कटिया है तो इसी इसी चीज हमने दिखाता रहा करूँगा। तो भाई उरा इसका दौर है नीम का पेड़ है इस नीम के पेड़ की जो पत्ते हो ये ले जा रहे थे घर ने गेहूँ गाँव जो कटे हैं तो उन टंकी में गाल लाएंगे इतनी बड़ी टंकी वो है गेहूँ की उसका मैं गाल लाए ना जब पत्ते हो नीम के वे उसको मैं घेरे जा तो ताकि उसमें सुरसी ना हो और गेहूँ खराब नहीं हो। तो भाई यो नीम का पेड़ है इसकी दातल भी करा रहे हैं इसके कई गुण है वे थमने बेरा है लावनी सब न करा खीसे। तो भाई मत हमने एक चीज और दिखाऊं उरन एक मंडी और से ये एक कोठड़ा बना रखे हो रहे ताकि उरन जो लावनी करे है खेती बाड़ी करे है वे अपना टेम इस कोठड़े में गुजार सके और इस नीम का नीम की जो छाया है ना इसके नीचे खाट गाल अपने सो जाओ आराम से सही सीढ़ी आवा लागे इस कोठड़े में अपने टेम बिताया करते कई ताश खेल लिया करते कोई पार्टी शार्टी बना दी ठंडा ठंडा पी लिया भुजिया खा ली वह चीज इसका मैं होया करती मीम आ जा तो इस कोठड़े में बढ़ जा और बयान दिया जाए तो बढ़ जाए इसमें और दिन खुला बाद अपना घर में चला था। और उरन भाई खेत वाले जो आ रहे हैं वे अपने गेहूँ कट्ठे कर ला रहे हैं ये है गेहूँ ठीक है तो गेहूँ इस डाल कट्ठे करा करें रोटी ठाणी पड़े हो पूरा किला मुरन गेहूँ से जितने पड़े हैं और ये गेहूँ कट्ठे कर रखे हैं। तो मैं एक बार सीढ़ी से इन्हें ठाक है उसे जगह पर फेंक दी जी दरी थी या ताकि भाई कोई और ठाक ना ले जा सके। भाई मैंने सीढ़ी लिया था अपना हाथ है और खवा फेंक ली है इस तरह सीढ़ी ठाया करें और ये मैं उसे जगह पर इसने फेंक दूंगा।
भाई मन मा की एकदम तो वीडियो बनाने की इस जगह की, और मैं घर से निकला और इस जगह की स्पेशल वीडियो थार खातर मैं बनाई। तो भाई यो कोट रहा है और पूरा थक थक आप रखे हैं, ये स्त्री मन खड़ी करती है और यो थकत पूरा भाई खेल लिया करते तो हवा ला गया थी शीढ़ी शीढ़ी। और इस साइड में देखो कितना बढ़िया मौसम दिख रहा है, या ओमाली टंकी है, ओमाली टंकी का नाम देखने जाना है। तो उस तरह से देखी जाए तो पूरा गणे कोटड़े हैं, लेकिन मेन नाम से ओमाली टंकी, ठीक है। तो इस नाम से जाना है। तो भाई और यो भाई है यो अपने गेहूं कट्ठे कर ला रहे हैं, उन भाई एक जगह गे रहे हैं तड़कन गेहूं कटवाए जा। तो भाई पाइप बीच में नहीं पड़े और पाइप खराब नहीं हो। तो ये भावना में गेहूं दिखा दें को भीतर न बढ़ गए किस तरह पड़ी है रोटी और किस तरह इकट्ठे कर रखे हैं। मैं तारा के नीचा निकलिया ये तार से और जा भाई पोड़ी इकट्ठी करा रखी से, और ये गेहूं काट रहा क्यों रखे दो खुद देखो ना हम ये गेहूं काट रहा क्यों रखे ये डोला है और ये गेहूं देखो भाई ये डाल कट्ठे कटे जा है। फिर हम कई नु सोचा रहा भाई गेहूं किस तरह बने हैं किस तरह कट्ठे करे जा किस तरह कड़े हैं। तो भाई ये पूड़ी लगा रखी से और ये सूख गया कति ये देखो ये टूट आया है तो ये सूख गया है। ये कटिया बाद घने भी गेहूं निकलेंगे इसमें थे जो बेची भी जाएंगे और घर न रखे भी जाएंगे खाने खातर। और पूरा पूड़ी गेर रखी है ये काट काट बंद बंद पूड़ी बनाए थे पूरा किला भरा रहे हैं और पूरा दोपहर पूरा दिन निकल गया भाई लावनी करता नहीं गोड्डे कदे टूट ली ही हार चढ़ गया है। और ये दौड़ा शिखर दोपहर हो रहा है भाई इस गांव का मैं वो लावनी कर सके है जो एसी का मैं नहीं बैठे है पंखे तले नहीं रहे है, ठीक है। जमींदार आदमी कर सके है लावनी ने किसी की बस की बात नहीं भाई लावनी करने की, ठीक है। शहर में बैठे रहे पंखा थोड़ा उन दौरे लावनी को नहीं बने उन दौरे एक सेकंड भी गाम में डटा था लेकिन गाम वाले भाई डट जे आप करे हाँ। और ये पूड़ी पड़ी है भाई या पूड़ी देखो या उड़द फायदा है नू और या उड़े गिरनी पड़े है जिस तरह फराग में पूड़ी लेकर चल रहा हूँ और या उड़े गिरा है चालक है इस तरह ठाकर इकट्ठी करनी पड़े है सारी। और ये भाई इकट्ठे कर ला रहे हैं यो भी दिखाऊंगा यो भी दो दो पूड़ी लिया मैं तो एक के लिया हूँ और ये दो लिया किस तरह ठाओ और दिखा दू हमने देखो यार मैंने उड़े जचा दी है, ठीक है। इस तरह सारी इकट्ठी करनी पड़े ही। तो वीडियो लाइक करो भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो ताकि और भी एंड वीडियो भी लोग गए खातर लेते रहो। और दादी ला रही है भाई ला रहा पूड़ी इकट्ठी करने ला रहे हैं और इस तरह पूरी ठाक रहे भाई भाई लेकर आने वाला है। और ये सारी पूरी उरा इकट्ठी हो गई है और कोई दिन में अपना कटवा लेंगे और पूरी दो ट्रेली भर जाएंगी वहाँ की या ले या जचगी है इकट्ठी हो गई है। तो भाई आज का व्लॉग में यह चीज़ थार दिखानी थी मैंने और गल गल भाई खेत में इकट्ठी करने लाए थे बहुत मैंने थार से दिखा दिए क्यों किस तरह इकट्ठे करे था। तो लावनी वाली हो रही लावनी किस तरह करा रहे मौका लग गया तो उस चीज़ की मैं हमने दिखाऊंगा वीडियो। तो भाई शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल ने मिला हाँ एक और नई व्लॉग का गल सारा ने राम राम और वेट करो भाई नई व्लॉग क्या।